मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है, लेकिन आपको खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है, 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके गमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी, उनकी नींद हराम हो गई है। और इसके कारण, डर के कारण, अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? माताएं बहने, अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है ना, इससे वो डर गए थे, इसलिए उनको ये माताओं बहनों आपके चरण में आज आना पड़ा है। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है, अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा, इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क धर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है, आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहने, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाए, ये आपको तोड़ने की कोशिश करे मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाए। साथियों, मोदी ने बहनों को उनके घर पाइप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है। सिर्फ 4 साल के भीतर ही देश में 10 करोड़ ऐसे परिवारों के घर पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे एक तकलीफ भी है, नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां की सरकार को लगता है कि अगर माताओं बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं बहनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा, तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएगी। और इसलिए वो माताओं बहनों को नल से जल मिले नहीं, इसलिए उस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार को मोदी और मोदी की योजनाएं दोनों ही पसंद नहीं है। इसका एक और बड़ा उदाहरण गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। कितने? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, कितने?
कितने? 4 करोड़ क्या? 4 करोड़ क्या? किसको दिया है? किसको दिया है? इस देश के गरीब परिवारों को, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर आप कल्पना कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार थी तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें घोटाले तलाशने लगे, कटकी कैसे करे खोजने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है, सीधा पैसा उस घर में जाता है तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि कुछ मिलता नहीं है तो काम क्यों करें। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नहीं कर रहे हैं। और मैं आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं, यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला ये लिख रखिए, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, गरीब दलित आदिवासी ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका यह उदाहरण है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। दूसरी बार सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया, कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का भी विरोध किया। ये विरोध वैचारिक नहीं था, अगर वैचारिक होता तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के किसी नेता को मैदान में उतारती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ही एक पुराने नेता को आदिवासी बेटी के विरोध में उम्मीदवार बनाया। साथियों, कांग्रेस एससी समाज को कैसे अपमानित करती है इसके बारे में गुरु बालदास जी प्रमुखता से आवाज उठाते रहे हैं। सतनामी समाज के साथ यहां कैसा बर्ताव हुआ है ये भी सबने देखा है। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है, ये किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है। मेरे परिवारजनों, भाजपा के लिए सामाजिक न्याय सबकी भागीदारी का विकसित भारत के निर्माण का रास्ता, हमारे पास पक्का रास्ता है। हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, 13,000 करोड़ की यह योजना हमने अपने विश्वकर्मा परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ के हमारे हजारों विश्वकर्मा साथियों को भी लाभ होगा। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन,
सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, फूल की मालाएं बनाने वाले मालाकार भाई बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो तमाम कारीगर शिल्पकार हैं, उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई। इसके तहत सरकार ट्रेनिंग भी देगी, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी देगी, साथ ही काम शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपये का सस्ता ऋण भी उपलब्ध होगा। और हां, मैं अपने विश्वकर्मा साथियों को बता दूं कि आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेगा कोई। मेरे विश्वकर्मा भाई, मेरे शब्द सुन लीजिए, कोई बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगा, क्योंकि आपकी गारंटी मोदी ने पहले से ही लेके रखी हुई है। साथियों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए तैयार है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। इसी जोश के साथ में जुटना है और जन जन को जोड़ना है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ऐसी सभा, ऐसी ऊर्जावान सभा, आज मेरा मन गदगद हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, 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 वंदे 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 भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में थे। परिवर्तन यात्रा के समापन में बड़ी बातें उन्होंने कही। कहा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा। सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कांग्रेस ओबीसी का अपमान करती है। बड़ी बातों में सबसे पहले बड़ी बात यही उन्होंने कही, दिल्ली में बैठा हूं इसलिए डरते हैं। मैंने ऐसी योजनाएं बनाई जहां पर भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इसलिए काम नहीं किया जाता। और सबसे बड़ा वायदा उन्होंने ये किया है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार प्रदेश में आती है, छत्तीसगढ़ में आती है, कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा फैसला जो लिया जाना है वो लिया जाएगा गरीबों के आवास का। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास अटके हुए उन्होंने कहा उन सभी आवास को स्वीकृत करने का काम किया जाएगा और जल्द से जल्द वो सारे आवास बनाए जाएंगे, उनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये बहुत बड़ा वादा किया है और कहा है कि सबसे पहले ये फैसला लिया जाना है। इसके अलावा सतनामी समाज के साथ ही ओबीसी के और दलित के अपमान का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर लगाया कि यहां के लोग सतनामी समाज का अपमान करते हैं, ओबीसी का अपमान करते हैं, गाली देते हैं और कांग्रेस को अब ऐसे में जवाब देना होगा। राशन में घोटाला किया ये भी उन्होंने कहा। कहा कि मोदी बैठा है और इसीलिए वहां से जो योजनाएं चलाई गई हैं, इस तरीके की योजनाएं केंद्र की तरफ से बनाई गई हैं और चलाई गई हैं जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसे में भ्रष्टाचार जहां नहीं हो पाता तो वो काम भी नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सपना तभी साकार होगा जब बीजेपी की सरकार होगी। कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने कहा
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर 18 एजेंडा छत्तीसगढ़ का आगाज हो चुका है और गृह